पॉइंट में मैं मंटू सर, हम आज से मैथ सब्जेक्ट का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एडवांस मैथ हम शुरू करते हैं। मैथ जनरल मैथ में तीन पार्ट में बढ़ता है, एक ऐसे मुख्यतः दो पार्ट में ही हम पढ़ा लेते हैं। नंबर सिस्टम एक अलग हो जाता है, थीमेटिक एक अलग होता है, एडवांस मैथ एक अलग होता है, लेकिन हम दो पार्ट में पढ़ा रहे हैं, एक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस, क्योंकि नंबर सिस्टम को हम एडवांस में ही ऐड करके पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं जिसमें सिलेबस है नंबर सिस्टम में। देखिए, नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, वेट, बाइनोमियल थ्योरम, यूनिटी, सर्स एंड इंडिसेस, फ्रैक्शन, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, एपी, जीपीएचपी, स्क्वायर रूट, डिविजिबिलिटी, एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन में 2D एंड 3D दोनों के साथ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इतना चैप्टर हम एडवांस मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान देना है बाबू कि जब नंबर सिस्टम पूरे एडवांस मैथ मैथ जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप एक वीडियो में हम नंबर बाय नंबर वीडियो डालेंगे, एक वीडियो करके आप देखिए, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे और हम वीडियो रोज डालेंगे इसमें मैथ का। जब हमको टाइम मिलेगा हम बराबर वीडियो डालते रहेंगे, आप इस देखिएगा। और देखिए, हम नंबर सिस्टम से पहले हम थोड़ा एलजेब्रा पर फोकस करेंगे, क्योंकि एलजेब्रिक प्रोग्रेशन जो एलजेब्रिक हम लोग जो पढ़ेंगे उससे थोड़ा कुछ अलग हम लोग का कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए, एलजेब्रा सबसे पहले हम एक एलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला को यहाँ तो सोल्व करके दिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हैं। इस फार्मूले के मदद से हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, हालांकि कुछ जब आगे जाएंगे तो बेसिक कुछ बताएंगे, कुछ उसमें ऐसी चीज बताएंगे देखिए काफी कम समय में हम लोग का मैथ हल हो जाएगा। तो देखिए, हम फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, उसी प्रकार से माइनस बी का, तो तमाम इस तरह का फार्मूला जो है, देखिए इधर स्क्वायर से रिलेटेड है, इधर क्यू से रिलेटेड है, तो इन सब सारे सारे फार्मूला जो है, इन सब फार्मूलों को अगर ध्यान में रख लीजिएगा, इन सब फार्मूलों को जब ध्यान में रख लीजिएगा तो आपको मैथ काफी आसान हो जाता है और कुछ आसानी नियम से बनता है। तो हम लोग मैथ जो है इस तरह से पढ़ेंगे ताकि पूरे अच्छी तरह से मैथ कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक अब छोटा छोटा पॉइंट तक हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम लोग अपना एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल पहले देखते हैं अलजेब्रा में हम लोग किस तरह से शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला बेस्ट कॉन्सेप्ट और अपना कॉन्सेप्ट भी रहेगा। देखिएगा, यहाँ देखिए x प्लस 1yx बराबर a अगर दिया रहे, माने a के जगह पर कुछ भी दे सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है, अगर इस रूप में दिया रहे और आपसे पूछ दे x² प्लस 1yx² इस फॉर्म में पूछ दे, या बिना किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, तो हम लोग सबसे पहले दिमाग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि देखिए, हम अपना दिमाग से सोचें, अगर ये दोनों को अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस यानी दोनों वर्ग कर दें तब क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए तब बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, ऊपर नीचे ए से ए कटेगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x² बराबर, अगर 2 प्लस इस साइड है तो बराबर इस साइड में जब जाता है कोई भी अंक तो अपना साइन चेंज कर लेता है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा देखिए फॉर्मूला बन गया कि जब कभी भी x प्लस 1x बराबर कुछ दिया रहे, तो अगर s उतना दिया रहे x² प्लस 1x² कुछ दे, तो जो दिया रहे उसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल लिए कि यदि if x plus 1 by x बराबर 4 then x square plus 1 by x square भाग, कह रहा है कि यदि x plus 1 by x बराबर 4 दिया है तो x square plus 1 by x square का मान क्या होगा,
तो हम लोग सिंपल वही बेसिक से किए, देखिए होल स्क्वायर दोनों लोग कर दिए, निकाले तो भी 14 आया। लेकिन हम लोग देखिए बेसिक से हम क्या बताएं, कितना दिया है स्क्वायर पूछे, तो जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2। तो यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इस पर देखिए, तो यहाँ ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 के कितना है 14, देखिए इतना बराबर है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल के लिए, दूसरा एग्जाम्पल लिए कर यदि x प्लस 1 बाय x बराबर 3 है तो x स्क्वायर, इसमें तीन क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर भाग x पर पावर 4 प्लस 1 बाय x पर पावर 4 बराबर भाग x पर पावर 8 प्लस x पर 1 बाय x पर पावर 8 बराबर भाग। तो हम लोग इस तरह से देखिए ऐसे फार्मूला किस तरह भी कभी कभी लिख सकता है कि x पर पावर 8 प्लस x पर पावर माइनस 8 यही रूप है, ये भी माइनस जो है मनमट्टा होता है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में हम टेक्निक लिख दें, हालांकि अपना दिमाग जो कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये सब नहीं याद रखना, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। देखिए क्या कि अगर x इतना दिया रहे x प्लस 1 बाई x बराबर रहे x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर बराबर निकालना, तो k स्क्वायर यानी a दिया था ना वहां, तो a दिया है तो a स्क्वायर माइनस 2 कर लेते। लेकिन अगर x पर पावर 4 प्लस 1 बाय x पर 4 निकालना होता तो जो दिया है इतना मान निकालते x स्क्वायर प्लस 1 बाय x का उसका भी स्क्वायर, देखते हैं a स्क्वायर माइनस 2 का उसका भी स्क्वायर करके 2 घटा दे तो 4 निकल गया। अगर 8 निकालना होता तब भी जितना दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2 फिर उसका भी स्क्वायर माइनस 2 फिर लास्ट में माइनस 3 बार करना होता, क्यों, क्योंकि पावर देखिए स्क्वायर का स्क्वायर पावर पावर आपस में गुना होता है। नीचे देखिए आएंगे क्वेश्चन पहला, देखिए क्वेश्चन पहला x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो कितना दिया हुआ है x प्लस 1 बाय x बराबर 3, जब 3 दिया है तो देखिए तो 3 स्क्वायर माइनस 2 तो कितना है 7। अब देखिए x प्लस 4 प्लस 1 बाय x बराबर 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर आपस में क्या होता है गुना होता है। तो देखिए इसको भी इस रूप में और इसको इस रूप में लिख दें बराबर, तो कितना हो गया, तो पहले स्क्वायर वाला मान कितना था 7, तो देखिए 3 के स्क्वायर इससे छोड़ी पहले उसी ए नियम से 3 के स्क्वायर माइनस 2 उसका भी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि एक बार और स्क्वायर है तो एक बार और स्क्वायर करते हैं, तो उतना स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना 47। ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम करते कि स्क्वायर आ था 7 ना, अब उसका भी स्क्वायर निकालना होता तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 ही आता ना। चलिए जैसे यहां देखिए x पर पावर 8 प्लस x पर पावर 8, तो इसको भी लिख सकते हैं x पर पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटे x पर पावर 4 का स्क्वायर। देखिए तब क्या करते, तो ये जो दिया है देखिए x पर पावर 4 प्लस 1 बाय x पर 4 कितना आता 47, तो उसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देते तो ही आंसर आता। देखिए बाय 09 47 का स्क्वायर कितना होता है बाय 09 माइनस 2 कितना है बाय 07 आंसर। आई एक टर्म हम अभी पहला टर्म चल रहे थे, आई सेकंड टर्म में देखते हैं कि अगर x प्लस 1 बाय x दिया हुआ है कुछ दिया हो और निकालना हो x प्लस x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, जब x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब अगर निकालना हो तो ध्यान देखिए इधर भी कर देंगे, इसका बेसिक है, बेसिक हम पहले बता रहे हैं कि इसका क्या किए क्यूब बोथ साइड यानी दोनों ओर क्यूब करने पर, दोनों ओर क्यूब करने पर तो हमको फार्मूला से पता चलता है कि a प्लस b के होल क्यूब पर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b बराबर a क्यूब। अभी जब ये e क्या होगा ऊपर नीचे कटेगा, तो ये देखिए x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर इतना x प्लस 1 बाय x का मान ऊपर कितना दे रहे n है तो यहां a लिख दिए। अब देखिए 3 गुने a 3 है तो प्लस 3 है 2 बटे जाएगा तो माइनस 3 है, तो फार्मूला हम लोग का क्या बन गया बेसिक क्या हो गया x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3। यानी जब कभी x प्लस 1 बाय x बराबर कुछ दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट अगर क्यूब कुछ दे तो जितना दिया उसका क्यूब माइनस 3 है। तो देखिए एग्जांपल पहले हम देखिए लिखे हैं इफ x प्लस 1 बाय x बराबर 3 तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर भाग, दूसरा x पर पावर 6 प्लस 1 बाय x पर पावर 6 बराबर भाग। तो देखिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन बेसिक से किए कि जो दिया था उसका हम लोग क्यूब कर दिए दोनों साइड, और जब क्यूब कर दिए तो देखिए x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब फिर यहां
थ्री ए बी कट गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान तीन है ऊपर से, इधर तीन क्यू, तो देखिए एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर 27 - 3 - 3 कितना 9, यानी फाइनल कितना 18। ऐसे डायरेक्ट हम लोग इस पर बनाएंगे, इतना तो सॉल्व करना है नहीं टाइम हम लोग के पास, तो डायरेक्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो दिया है इतना दिया है, क्यू निकालना है तो जो दिया है उसका क्यू माइनस 3 है, तो देखिए तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3 है, पर ए कितना दिया हुआ है 3 है, तो 3 के क्यू माइनस 3 गुने 3 बराबर कितना 27 - 9 गया, यहाँ भी 18। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ये छठा क्वेश्चन ही देखिए ये है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, देखिए तो x पर पावर दूसरा बना रहे हैं, तो x पर पावर 6 प्लस 1 बाय x पर पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं ना x क्यू का स्क्वायर प्लस 1 बाय x क्यू का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा देखिए इधर बेसिक देखिए तो इधर देखिए x क्यू प्लस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x पर पावर 6, क्योंकि पावर आपस में गुना, जब कभी कंप्लीट ब्रैकेट के रूप में पावर रहे तो पावर आपस में गुना होता है, तो देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो जब कभी x प्लस 1 बाय x दिया हो तो सबसे पहले q q नहीं तो स्क्वायर लिख जाना होगा, q अगर दिए जब q निकाल लिए तो उस q को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, तो q कितना आया था, q आया था कितना, तो आपको आया था 18, अब इस 18 को स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो स्क्वायर में q किया तो स्क्वायर रूट में आ गया, तो 18 का होता है 324 - 2 - 322 आंसर हो जाता है, तो इस तरह से हम लोग को बनाते हैं, और आगे हम लोग अपना एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें देखिए कुछ अलग तरीका से कुछ अलग क्वेश्चन इसमें आएगा, कह रहा है यदि x + 1 / x = 3 तब x पर पावर 5, पहले क्वेश्चन है x पर पावर 5 + 1 / x पर पावर 5 = 8, दूसरा है x पर पावर 7 + 1 / x पर पावर 7 = 8, आइए हम लोग बारी-बारी से इसका सॉल्व करके दिखाते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि देखिए यहां कि हम x पर पावर, पहला क्वेश्चन है x पर पावर 5, तो हम देखिए x पर पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x का स्क्वायर गुने x 3, क्योंकि जब दो या दो से अधिक बेस समान हो, बीच में गुना के साइन से कनेक्टेड हो, तो सभी बेस एक बेस में बदल जाता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, तो देखिए x * x दोनों बेस एक बेस में बदलेगा, पावर आपस में जुटेगा बराबर, अब देखिए जब इतना हम लोग कर सकते हैं इसका मतलब है कि एक बार हमको स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर निकालना होगा, और एक बार हमको x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब निकालना होगा, जब उतना निकालें क्यों, देखिए दोनों को जब गुना करेंगे तब फाइनल यही चीज आएगी x पर पावर 5 प्लस 1 बाई x पर पावर 5, देखिए कैसे हम दोनों के इधर गुना की, तो इसका देखिए x स्क्वायर निकाल x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर तो 7, इधर से x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब तो 18, तो दोनों के गुना किए तो 7 × 8 और 7 × 18, अब देखिए इसको जब गुना करिए पहले इसके साथ x क्यूब इनटू x क्यूब x स्क्वायर इनटू x क्यूब, यानी इसी को गुना करिए इसके साथ x स्क्वायर / x क्यूब प्लस है तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इससे करिए इसमें तो x क्यूब / x स्क्वायर, इसी को फिर इसमें करिए बीच में प्लस है तो प्लस, ये x 1 / x स्क्वायर इनटू x क्यूब, अब देखिए यहां से x पर पावर 5 प्लस, देखिए हम डायरेक्ट लिखे हैं वो इसका इसका गुणा करेंगे तो 1 / x पर पावर 5 एक साथ कर लिए, इसको देखिए कांटा ऊपर से नीचे कट गया तो 1 / x + x आया, इधर गुना किया 18 से 26 126, अब 1 / x + 1 / x देखिए ऊपर में कितना मान था 3, तो इसी का 3, तो ये कितना हो x पर पावर 5 + 1 / x पर पावर 5 है 3 है इधर आएगा, तो 126 में से प्लस 3 है तो माइनस 3 होगा, 126 में 3 घट गया तो बचा x क्यूब x पर पावर 5 प्लस 1 / x पर पावर 5 = 100, तो ऐसे आंसर, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, हम लोग को प्रैक्टिस होल रहेगा तब बना सकते हैं कि इसका मतलब जब दिया अगर 5 है तो एक स्क्वायर एक क्यूब निकाल के दोनों को निकाल गुना करके जो दिया रहेगा उसमें घटा देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए x पर पावर 7 प्लस 1 / x पर पावर 7 है, तो x पर पावर 7 बराबर, तो इसको हमने लिख सकते हैं x पर पावर 7 को x क्यूब इनटू x पर पावर 4 लिख सकते हैं, जब लिख सकते हैं तो हम लोग इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार x q
क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है और एक बार x पर पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 4 निकालें। देखिए हम निकालने हैं, दोनों निकाल दिए हैं, इतना x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 18 आया, x पर 4 प्लस वन बाई एक्स पर 4 बराबर 47 आया। आगे हम बताए थे 47 कैसे आए, अब देखिए 47 इसलिए है क्योंकि पहले x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर निकाले तो 7 आया, फिर उसका भी स्क्वायर कर दिए तो 49, अब से 2 घटाएं तो 47 आ गया था, जो कि आज हम बता चुके हैं। अब देखिए ये दोनों को हम आपस में गुणा किए उधर में इधर दोनों बटे अगर गुणा करेंगे तो देखिए यही बात आएगा, x पर पावर 7 प्लस 1 बाय x पर पावर 7 में से क्या किए गुणा करके, दोनों गुणा करके और लास्ट में क्या 3 खाली घटा देंगे जो दिया रहेगा वो, तो देखिए 18 × 47 माइनस 3 तो 8 कितना है 846 माइनस 3 लास्ट में 843। तो दोस्तों आज देखिए हम ज्यादा अगर वीडियो बनाते तो लंबा हो जाएगा जिससे आपको देखने में लेंदी होगा, तो हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाएंगे, कम समय का वीडियो बनाएंगे ताकि देखने में भी आपको सही अच्छा लगेगा और उसके बाद आपको भी पढ़ने में मन लगे और इसको एक कॉपी में अलग से नोट करते जाइए, इस बात को पूरे नोट करते करते पता चलेगा धीरे 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 बहुत बड़ा कॉपी बन जाएगा और मतलब आपको पढ़ने में आसान लगेगा, बहुत अच्छा कॉपी बनेगा और पढ़ने में आसानियत हो जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम ये थ्योरी पहले देंगे उसके बाद इस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे और बुक का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे मिलते रहेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।